दोस्तों, बीटल एक ऐसा कीड़ा है जो बहुत ही खूबसूरत और चमकीला होता है, और जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसके सिर पर मौजूद लंबे सींग, जो इस बीटल को और भी शानदार बनाते हैं। लेकिन ये सींग बीटल की सभी प्रजातियों में नहीं होते। ये बीटल आमतौर पर लकड़ी और जानवरों के मल को खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 से 4 इंच वाले इस बीटल की कीमत करोड़ों में होती है, क्योंकि बहुत से लोग इसे अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इस बीटल से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है। और अगर बात करें इसकी प्रजाति की, तो इस दुनिया में इसकी लगभग 40,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बीटल का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है, जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला। और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। आपको बता दूं कि इनके मिलन का मौसम वसंत ऋतु और पतझड़ के मौसम में होता है। लेकिन कई प्रजातियां अपने साथी का पता लगाने के लिए अपने फॉर्मोन यानी आवाज़ जैसे संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, और कई बार तो मिलन के लिए नर बीटल के बीच लड़ाइयां भी हो जाती है, और जो इस लड़ाई को जीत जाता है वो मादा के साथ मिलन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो जैसे ही इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। और जब मादा अंडे देने की अवस्था में पहुंच रही होती है, तो इस दौरान मादा अपने अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करती है जहां लकड़ी, पौधे की पत्तियां, पर्याप्त शिकार और सबसे जरूरी अंडों की सुरक्षा, ताकि मादा की अनुपस्थिति में अंडे सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मादा बीटल अपने अंडे के लिए अक्सर उसी जगह का चुनाव करती है जहां वो खुद पली बड़ी है। तो जैसे ही उसे अपनी पसंदीदा जगह मिल जाती है, उसके बाद मादा अंडे देना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि मादा एक बार में 15 से 20 अंडे दे देती है। और अगर बात करें इसके रंगों की, तो ये सफ़ेद और पीले रंग के हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियों के अंडे इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो जैसे ही मादा अपने सारे अंडे दे देती है, उसके 1 से 2 हफ्तों बाद ही इन अंडों से लार्वा निकलना शुरू होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ प्रजातियों में 1 महीने का समय भी लग जाता है। तो जैसे ही लार्वा अंडे से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद ये पौधों की पत्तियों और लकड़ी के सेल्यूलोज को खाना शुरू करते हैं, और इस तरह ये 1 से 2 हफ्तों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जिसके बाद ये लार्वा प्यूपा बनाना शुरू करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लार्वा ज़मीन के नीचे दबकर या पेड़ की शाखाओं में लटककर प्यूपा बनाना शुरू करता है। और जैसे ही ये पूरी तरह से प्यूपा बना लेता है, उसके बाद ये 1 से 2 हफ्तों तक प्यूपा की अवस्था में बना रहता है। और इस दौरान इस प्यूपा में थोड़ी मोड़ी हलचल और प्यूपा का रंग गाढ़ा होने लगता है, जिसका मतलब ये है कि प्यूपा के अंदर बीटल का विकास होना शुरू हो गया है।
तो जैसे ही 1 से 2 हफ्तों का समय पूरा हो रहा होता है तो इस दौरान ये प्यूपा बीटल में बदल रहा होता है, और वो समय पूरा होते ही ये पूरी तरह से बीटल में बदल जाता है और इस तरह इस बीटल का जन्म होता है। जब इस बीटल का जन्म हो जाता है तो ये पूरी तरह से वयस्क होता है और इसके पंखों के साथ शरीर के सारे अंग भी विकसित हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़ता है। जिसके कुछ समय बाद ही ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेता है और एक बार फिर ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की तो इनका जीवन काल 6 से 12 महीनों का होता है, जो विभिन्न प्रजातियों के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।